आज हम सिंस और फोर के बारे में बात करते हैं कि सिंस और फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस के बारे में। सिंस का प्रयोग है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से एंड कंटिन्यूअस टिल नाउ, लगातार अभी तक कोई घटना जारी हो, कंटिन्यूअस टिल नाउ का अभी तक कि प्रारंभिक बिंदु से और लगातार अभी तक कोई घटना जारी हो, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक डायग्राम है ये कि कोई भी घटना है 2016 से और 2020 तक जारी है, 2016, 17, 18, 19, 20, ओके। घटना 2016 से आरंभ हुई और 2020 तक जारी है, ओके। कोई भी घटना है 2016 से और 2020 तक है और जारी है, वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं एक सेंटेंस है लिखता हूं, जैसे कि I have been living in Jaipur since 2014, कि मैं जयपुर में 2004 से रह रहा हूं। तो देखो, ये घटना है 2004 में आरंभ हुई और 2020 तक ये घटना जारी है, और इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग होगा। यदि कोई घटना है प्रारंभिक बिंदु से और अभी तक जारी हो, वहां पर सिंस का यूज होता है। और देखो, फोर का प्रयोग कहां होता है, फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो समय है उसकी अवधि बताने के लिए, समय की अवधि, अवधि बताने के लिए। जैसे 2016 से और 2020 के बीच में जो 5 वर्ष की अवधि है, इसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 16 years, कि मैं जयपुर में 16 वर्ष से रह रहा हूं। अब देखो, किन किन शब्दों के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, किन किन के साथ फोर का करते हैं। देखो, सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु जिसमें कि टाइम शामिल हो या डेट हो, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु प्लस टाइम और डेट शामिल होते, जैसे कि सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1987, सिंस फरवरी, सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, सिंस द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी, इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो कि नॉट स्पेसिफिक, विशेष समय नहीं हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं हो, प्लस नंबर और टाइम वर्ड्स के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर। जैसे 4 10 minutes, 4 8 hours, 4 5 days, 4 3 years, 4 2 centuries।